सच्चे प्यार को कैसे विवाह में बदले, और प्रेमी अगर रूठ जाए उसे मनाने का एक अद्भुत उपाय। खर्चा जीरो। प्रयोग को करने के लिए, प्रयोग लोग समझते नहीं है, उपाय या टोटका को करने के लिए दो स्टील का कटोरी चाहिए, जैसे मेरे पास है दो स्टील का कटोरी। इस दो स्टील का कटोरी से ये प्रयोग होगा। कैसे होगा आगे वीडियो के अंदर बता रहा हूं, बिना स्किप बिना डाउनलोड किए ईयरफोन लगाकर वीडियो को शांत चित्त होकर वीडियो को सुन ले, समझ ले, उसके बाद इस टोटका को अप्लाई करें तो समस्या का समाधान निश्चित रूप पर गुरु गोरखनाथ जी करेंगे। आज का कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल के बेल कॉल कीजिए, और मेरे वीडियो को धैर्यपूर्वक पूरा स्किप बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए कंटेंट शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय मां मुंडमारिणी, मैं योगी श्री प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल पर स्वागत करता हूँ। विषय, प्यार को वापस खींच कर लाने का एक अद्भुत शावर तांत्रिक टोटका। इस टोटका के मदद से रिश्ते में जो भी नाराजगी चल रहा है, रुकावट चल रहा है, तीसरा व्यक्ति है, दूर चला गया है, या बहुत दूर रिश्ता चला गया, 2 साल 3 साल 4 साल पुराना भी रिश्ता को इससे ठीक किया जा सकता है। ये टोटका है, इस टोटका के मदद से आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं। इस टोटका के मदद से प्यार को विवाह में परिवर्तित किया जा सकता है। ये तंत्र गुरु का उपाय है। देखिए समझिए कैसे क्या करना है। इस वीडियो के अंदर ही एक यंत्र रहेगा, क्या बोलू, लोगों को वीडियो को देखना नहीं है, उसके बाद लोग बोलते हैं गुरु जी यंत्र तो दिए नहीं, मंत्र तो दिए नहीं। वीडियो में ऐसा 2-4 वीडियो में रिसेंटली डालो, उसमें कोई भी मंत्र नहीं है, फिर भी लोग अगर बोलते हैं गुरु जी मंत्र तो दिए नहीं तो क्या सब मैंने वीडियो के अंदर मंत्र का उच्चारण किया, कोई एक पार्ट में सुन लिया मंत्र मंत्र मंत्र, तो सोच लिया गुरु जी ने मंत्र दिया, लेकिन वीडियो में मंत्र दिए नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र दिए नहीं। तो सब लोगों को मैं क्या बोलो, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। देखिए तांत्रिक लोगों का जो शब्द है थोड़ा सा कड़वा होता है, ठीक है ना, मैं पॉलिश करके बात बोल नहीं सकता, सीखा भी नहीं, ठीक है ना। फ्री में चाहिए पूरा वीडियो देख लो, पैसा लगाना है मेरे पास ही नहीं, भारतवर्ष में काफी सिद्ध महापुरुष है ऐसे करने वाले भी है, और बंदूक चलाने वाले भी है, बंदूक चला के भूत भगाने वाले भी बहुत बहुत सारे मिल जाएगा, किसी के पास भी जाकर कर्म करा सकते, कोई समस्या नहीं है अपना। मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे पास ही आकर पूजा करवाने के लिए, लेकिन मैं ये हर समय बोलता हूं जिसके पास भी पूजा करवाने के लिए जाना तो बोलना चाहिए बाबा जी जो भी अमाउंट चाहिए मैं दूंगा, लेकिन सामने बैठकर पूजा देखूंगा, तो बाबा का बाबा पंती वहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे जिसका पैसा है वो जैसे लगाना चाहता है लगा सकते हैं। तो आज का कंटेंट भी वैसा ही है, दो कटोरी एक ही साइज का नया कटोरी मेरे पास, ध्यान से देखिए, एक ही साइज एक ही नाप का दो कटोरी होना चाहिए, स्टील का ले ले, तांबे का, मैं सुविधा अर्थ सबसे सुविधा स्टील भी है, ठीक है। मैं अगर तांबे का बोलूं तो तांबे का लोग बोलेगा गुरु जी तांबे का कैसे खरीदूं मैं, ये वो कहानी, तांबा सबसे उत्तम धातु है, और तांबा देवता तांबा को बहुत पसंद करते, देवता प्रीतिकौर तांबा, सोना तो सबसे श्रेष्ठ धातु है, उससे नीचे चांदी, उससे नीचे तांबा देवता यानी कॉपर देवता के लिए प्रिय धातु में माना गया है। तो जिसके पास सामर्थ्य है तो छोटा छोटा दो तांबे का कटोरी खरीदे, नहीं है स्टील का नया कटोरी से, सेम साइज का नया कटोरी से कर्म को करे। कर्म करने के लिए कोई भी दिन का जरूरत नहीं है, सिर्फ समय का जरूरत है। सुबह 10 बजे से पहले पहले ये कर्म को संपन्न करना है। जब तक आपका पार्टनर ना आए आपके पास तब तक ये कर्म को करते हुए जाना है। जल एक पात्र में डालना है। महिला अगर सबसे पहले ये कर्म करेंगे तो बाएं हाथ में जो कटोरी है उसमें जल को डाला जाएगा, अगर पुरुष ये कर्म करेंगे तो राइट हैंड का कटोरी में जल को डालेगा। पूरा जल को डालने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माने 90% जल कटोरी के अंदर डाले। एक यंत्र मैं बता दूंगा, उस यंत्र को आप लोगों को दोनों कटोरी के अंदर ही लिखना पड़ेगा। यंत्र बनाने का विशेष नियम भी मैं बता रहा हूं, यंत्र इसके अंदर ही होगा, कटोरी के अंदर स्केच पेन से यंत्र को बनाना पड़ेगा। मैं दे दूंगा कागज में लिखकर यंत्र, वीडियो के किसी एक कोने पर, मैं जानता हूं लोग कहां पे स्किप करते,
कौन सी जगह पर स्किप करके आगे भागते उसी जगह पर मैं यंत्र को डाल देता, लोगों गुमराह होकर बोले गुरु जी यंत्र नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बड़े जानता हूं ना कहानी क्या है। यूट्यूब क्रिएटर को हर जगह पर चीज दिखा देते, ये कौन से जगह पर कौन भाग रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, स्किप करके डिप करके कौन जा रहा है, सब दिखा देता है यूट्यूब का। ये बहुत सुंदर एक सिस्टम है, इससे हम लोग क्रिएटर को दिख जाता है ये क्या करते हैं लोग। अगर सीखना चाहते हो फ्री में तो वीडियो एक बार देखने में क्या समस्या है मुझे पता नहीं, और वीडियो को डाउनलोड करके कोई फायदा नहीं है। वीडियो में कुछ ना कुछ पॉइंट तो मैं जरूर बचा के रखता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालने के लिए, कि मैं जानता हूँ लोग टोटल वीडियो उठाकर चिपकाते हैं और व्हाट्सएप पर निर्लज्ज की तरह व्हाट्सएप पर उस वीडियो को शेयर करते हैं और प्रश्न करते हैं, और वीडियो में लाइक भी नहीं है। अगर गुरु अपने शिष्य को एक वर्ण शिक्षा देता है, पृथ्वी में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो उस गुरु का ऋण को खत्म किया यानी कि शोध मिटाया जा सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को फ्री में ये तंत्र का विद्या का ज्ञान दे रहा हूँ, आपका पैसा बचाने के लिए फ्री में तंत्र टोटका दे रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियो पर लाइक नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, तो कभी भी आपका कोई कर्म सफल नहीं हो सकता है। ये तंत्र शास्त्र में गुरु ने बोल के गया है, ये आचार्य चाणक्य बोल के गए, और मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। अगर भक्ति नहीं है, जिस व्यक्ति का कंटेंट देख रहे उस व्यक्ति के ऊपर अगर भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो कोई भी कर्म, किसी का कोई भी कंटेंट कभी भी सफल नहीं हो सकता, माने या ना माने। इसीलिए लोग आकर बोलते हैं गुरु जी मेरा वो सामान तो नहीं मिला, गुरु जी मेरा ये तो नहीं मिला, ठीक है, कारण नहीं है, वीडियो नहीं दिखेगा तो कैसे क्या करेगा। आज का वीडियो भी मैं देख लूंगा बाद में, 10 मिनट का वीडियो अगर होता है तो उसमें 4 मिनट का ड्यूरेशन टाइम होगा, बाकी लोग तो बस जो ऐसे ऐसे करेगा उसका ऐसे ऐसे ही प्यार भागेगा, ऐसे ऐसे भागेगा, टक 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 करते भागेगा, और जो पूरा वीडियो देखेगा उसका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। तो यंत्र पहले महिला लोग बाएं हाथ में पात्र को लिए यंत्र बनाया, जल को भर्ती किया, अपने पार्टनर के नाम से स्मरण पूर्वक पहले दिन ही सिर्फ इसके ऊपर दोनों पात्र के ऊपर ही धूप दीप दिखाकर आपको रखना है, एक टेबल के ऊपर किसी भी जगह पर रख दे, और दूसरा जो पात्र है ये ऐसा रहेगा, एक पात्र ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा जिसमें जल भरा है, इसमें जल नहीं है, ये पात्र ऐसा रहेगा। नेक्स्ट दिन आज सुबह 8 बजे ये कर्म किए, नेक्स्ट दिन ये पात्र का जल इस पात्र में ऐसे आएगा, दिख रहा है, इस पात्र का जल इस पात्र में ऐसे आएगा, ये पात्र तुरंत ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये पात्र तुरंत ऐसा हो जाएगा, ये हो गया कर्म। नेक्स्ट दिन फिर से इस पात्र का जल इसमें आएगा, ये पात्र ऐसा हो जाएगा। आशा करता हूँ 2-2.5 दिन के अंदर ही आपका पार्टनर आपके पास मिलने के लिए आ जाएगा। इतना अद्भुत प्रयोग मैं बताया, इसमें बिंदु मात्र खर्चा नहीं है, थोड़ा सा आत्मविश्वास के सहित गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर अपने अपने भगवान का नाम। लोग आकर बोलते हैं गुरु जी कौन से भगवान से प्रे करूं, कौन से भगवान से प्रार्थना करूं। सोचिए भारतवर्ष में हिंदुओं का क्या परिस्थिति है, कौन से भगवान से प्रे करूं, कौन से भगवान से प्रार्थना करूं। मैं मन में सोचता हूं जे भगवान, किस भगवान का नाम बोलूं, बाद में वो भगवान बोलेगा तू किस लिए इसको मेरे पास भेजा, इसलिए मेरे पास भेजा। अगर कभी भगवान से मेरा बात होता है तो भगवान तो बोलेगा, अगर मैं हनुमान जी के पास भेजता हूँ तो हनुमान जी बोलेगा तू किस लिए भेजा इसको मेरे पास, ये मेरा कभी भक्ति किया है तू इसको भेजा क्यों। अभी गणेश जी के पास भी भेजूंगा तो गणेश जी बोला किस लिए भेजा इसको, ये महामूर्ख को किस लिए भेजा, किसके पास भेजू। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी जिसको भी तुम्हें पसंद है तुम करो, मैं किसी भगवान का नाम लेता नहीं, कोई भी भगवान का नाम लूंगा तो उस भगवान का आक्रोश का शिकार मैं बन जाऊंगा। जो मैंने कभी दुर्गा, कभी काली, कभी शिव, कभी हनुमान, जिसको जब इच्छा हो, मैंने दुर्गा से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ तो दुर्गा से शिफ्ट होकर काली में चला गया, काली का शक्ति ज्यादा है, राक्षसों का विनाश ज्यादा करते तो दुर्गा से शिफ्ट होकर काली हो गया। काली से मनोकामना पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, कुछ भी हुआ तो सब लोगों को देखा एक जुमले में, एक लाइन में चल रहा है हनुमान 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 हनुमान, कोलिकाल का जीवित देवता है, चलो सीधा हनुमान के शिफ्ट होता है। हनुमान में भी हुआ, हनुमान में हुआ, कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ तो देखा, चलो उसमें शिफ्ट हो गया कोई और देवी देवता, गणपति। गणपति बहुत ताकतवर देवता है, जैसे महाराष्ट्र में गणपति पूजा के समय, गणेश चतुर्थी के समय गणपति का बाप पकड़े, गणपति सब गणपति कर रहे, वो भी गणपति में लग गया। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, एक ही मूर्ति है, एक ही देवता है,
ठीक है, मनोकामना अलग अलग हो सकता है, प्रार्थना अपने पिता और माता से ही हो सकता है। एक बच्चा, अगर बच्चा को कोई भी चीज का जरूरत है तो अपने पिता माता से ही मांगेगा, दूसरे का पिता माता से जाकर वो मांगेगा नहीं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, सनातन धर्मी हिंदू, सनातन धर्मावलंबी हिंदू, जो सनातन धर्म को मानते हैं, पिता माता के जैसा देवता को पूजा करो, जैसा पिता माता अपने बच्चे लोगों का बात के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं, देवी देवता भी रिस्पॉन्स करेगा। आज ये, कल वो, परसों वो, परसों वो, फिर ये सब कहानी नहीं आएगा। आशा करता हूँ विषय समझ में आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से बताएं, और वीडियो जरूर अपने सर्कल में आगे पहुंचाएं। इस तरीके का यूनिक कंटेंट और ऑथेंटिक कंटेंट तंत्र गुरु चैनल पर ही देखेगा, और तंत्र गुरु वशीकरण इसीलिए मैं तंत्र गुरु बनाता है। और मेरा एड्रेस है तंत्र गुरु कोलकाता, विपरीत पुत्तांगिरा मंदिर कोलकाता बोलकर अगर आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे, सीधा मेरा मंदिर का लोकेशन आप लोगों को दिखा देगा। जब मैं अनुष्ठान करता हुआ रहूंगा, अगर आप लोग आते हैं तो मैं आप लोगों से फ्री में 2-2.5 घंटा 3 घंटा बात करूंगा, पूजा भी देख पाएंगे। वीडियो समाप्त करता हूँ। हरिओम तत्सत।